कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक बार फिर मैंने लिख दिया आप सभी को मेरी तरफ से आज का दिन मंगलमय रहे भगवान से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं और आपके हौसले बुलंद रहे अस्मो मा सद्गमय हे भगवान मुझे 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 सच्चाई की तरफ लेके चल हे भगवान मुझे अच्छे काम करवा बेटे आज के लिए मैं तो यही कहूंगा यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग आप कुछ भी कर सकते हैं यू कैन डू एनीथिंग आप कुछ भी कर सकते हैं एंड एवरीथिंग और कुछ कभी भी और कुछ भी कर सकते हैं मेरे बेटे एवरीथिंग इज पॉसिबल हर चीज पॉसिबल है आप साइंस से हैं आप तब भी फाइनल अकाउंट कर सकते हैं आपकी एंट्रीज वीक हैं आप तब भी फाइनल अकाउंट कर सकते हैं आपके मन में आपने डर खुद ही डाला हुआ बेटे और कोई डालने वाला है ही नहीं आपने अपने मेंटल ब्लॉक अपने आप ही प्रिपेयर कर लिए कि मैं ये नहीं कर सकता ये मुश्किल है मुझे कॉमर्स नहीं आती मेरे को एंट्रीज नहीं आती इसमें टाइम लगेगा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बड़ा है बेटे किसने बोला है आपने खुद अपने आप को तो बेटे कहते हैं माइंड जो है ना दो तरह का होता है एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड जब आप ऐसी बातें करते हैं ना नकारात्मक तो माइंड उन सभी बातों को कैच कर लेता है और फिर वही हकीकत में बदल देता है बेटे आज से आप ये कहना छोड़ दें कि फाइनल अकाउंट मुश्किल टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स में टाइम बहुत लगता है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनानी पड़ती है बेटे मैंने तो देखा नहीं न्यूज सिलेबस में आज तक प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का क्वेश्चन आया हो या तो प्रॉफिट एंड लॉस और या बैलेंस शीट में से कुछ पूछ लेंगे मैं तो कहता हूँ दोनों ही पूछ लें मैंने तो मुसम्मिया छीलने का हिसाब किताब बताया आप लोग और एक बात और बताऊ मैं आप पता नहीं क्या करते हैं कि आंसर टैली करने में बहुत बिलीव करते हैं आंसर टैली में ज्यादा विश्वास रखते हैं यकीन मानिए मैं आपके सामने खड़ा हूं मैं सीए हूं मैं कंपनी सेक्रेटरी मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं और बेटे मेरा नाम है भूपेश आनंद मैं आपको बता दूं कि मैं जब सीए के सीएस के और सीएमए के पेपर्स देता था तो ऐसा नहीं है कि मेरे सारे आंसर सारी बैलेंस शीट सब मिल जाती थी नहीं मिलती थी कितनी बार क्या कई बार मिलती नहीं थी लेकिन मैं फिर भी पास कैसे हुआ बेटे उसकी तरकीब थी मैंने जहां तक किया उसको प्रॉपर किया बेटे जो आपको नंबर मिलते हैं स्टेप्स के नंबर मिलते हैं और आप पता नहीं किस कंफ्यूजन में होगी आंसर मिलना चाहिए बैलेंस शीट का टोटल मिलना चाहिए हद कर दी 90% 95% आपने जब ठीक किया नहीं मिलता छोड़ दीजिए अगला क्वेश्चन कीजिए बेटे पेपर में कोशिश जरूर करनी चाहिए एक बार दो बार नहीं हो रहा छोड़कर आगे चलें बेटे आपको फिर भी 90% मार्क्स मिलेंगे बेटे स्टेप्स के नंबर होते हैं बेटे अगर स्टेप्स के नंबर ना होते तो कोई सीएस प्रोफेशनल या सीए प्रोफेशनल या सीएमए प्रोफेशनल ना बनता तो आप मेरी बात पर विश्वास करें कि आपको जितना आता है उतना भी करके आए छोड़ना नहीं है मान लेते हैं कि एडजस्टमेंट नहीं आती छोड़ दो तब भी बैलेंस शीट मिल जाएगी आप और नहीं मिलती छोड़ दो 90% तो ठीक किया 95% तो ठीक किया ट्रायल बैलेंस से आपने सारी चीजें बनाई फॉर्मेट बनाए एडजस्टमेंट कुछ तो आती होंगी मैंने 12-13 एडजस्टमेंट करा दी 6-7 तो करा भी और इसी में से आएंगी इसी में से आ रही है स्टडी कवर की है स्कैनर कवर की है बेटे पास्ट ईयर सी ए सी एम में कवर की है प्रैक्टिस मैनुअल कवर की है बेटे इससे ज्यादा ना कुछ आता है ना आएगा आगे आपकी आपकी मर्जी है सीधी सी बात मैं तो बताओ बेटे हिम्मत खुद ही बंधानी है हिम्मत बंधा के खुद ही काम करना है खुद ही मरने से स्वर्ग मिलेगा किसी और के मरने से कभी आपको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है आपको खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है बेटे सीधी सी बात मोदी जी पूरे देश में जा रहे हैं आजकल आप देख ही रहे हैं हर जगह जा रहे हैं और बेटे जगह जगह कह रहे हैं कि मेरी इंडिया में आओ मेरी इंडिया में आओ मेरी इंडिया में आओ और आप बताइए जब इंडिया में इतनी सारी कंपनीज आएंगी और वो अपना पैसा लगाएंगी तो क्या उनको कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं होगी बेटे समय तो बीतता ही जा रहा है ना
अब आप ये बताइए, जितनी जल्दी आप प्रोफेशनल बनेंगे उतनी जल्दी मार्केट में आएंगे। और बेटे उस समय तो फाइनल अकाउंट की फिर भी जरूरत होगी, तो क्यों ना बेटे आज ही, क्यों ना अभी हम ईमानदारी से इस चैप्टर को करें। मैंने बेटे अभी तक 6 लेक्चर्स ले लिए। मैं तो चाहता हूं कि आपको ये 6 लेक्चर्स एक बार दोबारा रिवाइज करने चाहिए 7वें लेक्चर को करने से पहले। अभी 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहूंगा, उसके बाद देखें। तो बेटे मैं आपसे प्यार से निवेदन कर रहा हूं कि आप प्लीज पहले 6 लेक्चर्स का जो भी होमवर्क दिया, 2 ही 2 क्वेश्चन कराए बेटे मैंने, सेकंड और फोर्थ, बेटे ज्यादा तो कुछ कराया नहीं 6 लेक्चर्स में। एडजस्टमेंट्स अब शुरू होंगी थोड़ी सी, 3-3 एडजस्टमेंट रहेगी जो बड़ी मेन है। तो इन्हीं बातों के साथ 1 मिनट के लिए हम भगवान को याद करेंगे। बहुत अच्छा था। साथ में रहेंगे और आगे बढ़ेंगे बेटे। भगवान एक्चुअली में चाहता यही है कि हम सब खुश खुश रहें और साथ साथ चलें। बेटे लाइफ में हमें दुनिया को, लोगों को लेके चलना है बेटे, सेल्फिश एटीट्यूड से नहीं चलना कि मुझे मिल जाए, नहीं बेटे। इन बातों के साथ आज का लेक्चर नंबर बेटे, आज हम 7th लेक्चर में एंटर कर चुके हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि लेक्चर नंबर 7 जो आज का है, इसमें काफी अच्छी अच्छी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक तो बेटे आज आपको टैक्स की एडजस्टमेंट कराऊंगा जो मैंने अभी तक नहीं कराई बेटे, एक मैं आज आपको डिविडेंड की एडजस्टमेंट कराऊंगा जो मैंने अभी तक नहीं कराई, और बेटे एक मैं मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन की बातें भी करूंगा जो मैंने अभी तक नहीं किया। इसका मतलब जितनी भी एडजस्टमेंट्स कराई हैं उन सभी में ये तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, सबसे प्रीशियस एडजस्टमेंट्स हैं, सबसे कीमती एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको करनी ही चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ बेटे मैं आज पहले चाहता हूं कि आप टैक्स एडजस्टमेंट करें, डिविडेंड एडजस्टमेंट करें। तो बेटे किसी भी एडजस्टमेंट का मतलब तो मैं वैसे भी आपको बता चुका हूं, एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन कि भाई हमने इसको पहले कभी नहीं किया या इसकी जर्नल एंट्रीज पास नहीं हुई, इसके लेजर अकाउंट नहीं बने, तभी तो ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, इसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है नीचे। तो
तो बेटे उसका हमें जर्नल एंट्री पास करना है, लेजर अकाउंट बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, या यूं समझ लीजिए मैं इसका डबल इफेक्ट लूंगा। तो आपने जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कराया, क्वेश्चन नंबर सेकंड कराया था बेटे पहले तो, फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ कराया बेटे, और बेटे आप देखिए मैंने उसको बड़े प्यार से पूरी क्लास में एक ही क्वेश्चन कराया। बेटे जब आप साइकिल शुरू में सीखते हैं तो बहुत धीरे 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 चलाते हैं, फिर धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो बेटे साइकिल तेजी से सीखते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेटे मैं आप सभी से यही कहना चाह रहा हूं कि भले इनमें टाइम लग गया, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, धीरे धीरे करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम आज थोड़ा सा करेंगे तो पहले के कंपैरेटिवली कम समय लगेगा, तो घबराना नहीं है, बस ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो आइए जी आप एक छोटी सी पहले एडजस्टमेंट लिख लें, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं। बेटे हमने पहली एडजस्टमेंट, आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने बेटे पहली एडजस्टमेंट आपको कराई थी इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। वैसे शेयर कैपिटल के चैप्टर में आपने इसकी एंट्रीज ऑलरेडी की हुई है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में और फोर्थ में चांस की बात है ये एडजस्टमेंट अभी हमने डिस्कस नहीं की, आई नहीं बेटे, शायद थर्ड में है या फिफ्थ में है, मैंने फिफ्थ आपको होमवर्क दिया था करने के लिए सिक्स लेक्चर में, शायद आपने किया हो, अभी देख लेंगे। फिर बेटे मैंने एडजस्टमेंट नंबर टू बताई थी बेटे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीम हो जाए तो क्या करना चाहिए। बेटे ये भी हमने अलग से चैप्टर में इसको किया हुआ है, बेटे कोई बात नहीं, अगर आपने इसको अभी तक हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में तो बेटे आई नहीं थी तो क्या देखते। तो बेटे पहली एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट और बेटे तीसरी बेटे इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, बेटे इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो बेटे जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को बोनस शेयर्स इश्यू करती है तो कैसे करती है, इसको भी हमने अलग से शेयर कैपिटल के चैप्टर में किया हुआ है, लेकिन बेटे बोनस शेयर्स की एंट्रीज अभी तक फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट में नहीं आई, आ सकती है, ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट थ्री के बाद बेटे एडजस्टमेंट फोर क्लोजिंग स्टॉक, ये एडजस्टमेंट हमने की है। क्लोजिंग स्टॉक जनरली नीचे दिया होता है क्योंकि इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, इसके डबल इफेक्ट लेना होता है, एक तो कंज्यूम में लेते हैं और एक करंट एसेट्स में लेते हैं। बेटे डेप्रिसिएशन तो हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ किया था उसमें डेप्रिसिएशन थी प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर में, आपने डबल इफेक्ट लिया था, एंट्री पास की थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू फर्नीचर और फिर प्रॉफिट लॉस टू दिस, और बेटे फिर आपने इसके डबल इफेक्ट में क्या लिया था, एक तो आपने नॉन करंट एसेट से लेस किया था, दूसरा बेटे डेप्रिसिएशन को आपने एक्सपेंडिचर माना था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। चलिए बेटे उसके बाद मेरे बच्चे ए मेरे लाल, इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने लास्ट क्लास में ये भी कवर हुआ था लास्ट लेक्चर में कि बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो तो क्या करेंगे, इसका भी बेटे डबल इफेक्ट लेते हैं, एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में और करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आए, आए थे इंश्योरेंस के, जो मैंने कहा था जी क्वेश्चन जो किया हुआ उसमें उन्होंने कुछ अज्यूम किया, हमने नहीं अज्यूम करना, जो डाटा दिया हम उस हिसाब से चलेंगे, तो उन्होंने कुछ अज्यूम किया है लेकिन हमने वो अज्यूम नहीं करना, हमने जो किया है बिल्कुल ठीक किया, हमारी बैलेंस शीट का टोटल मिला, हमने बिल्कुल वैसे ही करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आए तो क्या करते हैं बेटे, एक्सपेंसेस में से लेस करते हैं और बेटे करंट एसेट्स में शो करते हैं, हमने ऐसे इंश्योरेंस में शो किया था बेटे, हमें अक्रूअल 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 कंसेप्ट फॉलो करना है, उसी 12 महीने में जो है उन्हीं को देखना है, ठीक है जी, वही खर्चे वही इनकम। उसके बाद बेटे मैंने आपको आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कराया था, भले इसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई बिल्कुल हमने किया था, फिर हमने एडजस्टमेंट नंबर 8 प्रीपेड एक्सपेंसेस कर ही लिया था। अभी बेटे आज एडजस्टमेंट नंबर 9 लिखना है, पहले पहले लिख लें मैं समझाऊंगा, भले ये एडजस्टमेंट नंबर 9 की एंट्री मैंने क्वेश्चन नंबर 4th में करते समय कराई थी लेकिन समझाया नहीं था, तो मैं आज आपको गुरु मूवी भी दिखाऊंगा, उसकी क्लिपिंग देखेंगे और पहले आप इस पीपीटी को लिखिए, लिखिए मेरे बेटे
डिविडेंड स्लैश ट्रांसफर टू रिजर्व्स, लिखिए डिविडेंड स्लैश ट्रांसफर टू रिजर्व्स, लिखिए मेरे बेटे। डिविडेंड्स आर ऑफ टू टाइप्स बेटे, लिखा हुआ है डिविडेंड दो तरह के होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 की बातें कर रहे हैं बेटे, मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा बेटे। इनकम टैक्स में डिविडेंड और भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, डीम डिविडेंड, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ए, बहुत कुछ होता है। आप अभी लिख लें डिविडेंड आर ऑफ टू टाइप्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल स्लैश प्रपोज डिविडेंड। तो लिखिए बेटे इंटरिम डिविडेंड, इट इज दैट डिविडेंड विच इज गिवन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विच इज गिवन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट इज दैट डिविडेंड विच इज गिवन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओन देयर ओन, अपनी मर्जी से देते हैं बेटे, अपनी मर्जी से देते हैं, ओन देयर ओन बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स। लिख ले बेटे, मैं समझाऊ, डिविडेंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरिम डिविडेंड स्लैश, अब दूसरा बेटे फाइनल एंड प्रपोज डिविडेंड। बेटे इंटरिम डिविडेंड के बारे में लिख लीजिए बेटे, इट इज दैट डिविडेंड विच इज गिवन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन देयर ओन बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स, बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स। बेटे एंट्री लिख लीजिए, भले एंट्री को आपने याद भी नहीं करना, कोई घबराने की बात नहीं है। इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लिखा बेटा, ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लिखा है सीडीटी, इसका कुछ किताबों में नाम है डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, 115 ओ इनकम टैक्स एक्ट में बेटे इसको करते हैं। ओन इंटरिम डिविडेंड टू बैंक, बेटे एंट्री हो गई इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट, सीडीटी ऑन इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। और सेकंड एंट्री है जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बेटे पहले जमाने में एप्रोप्रिएशन बनता था, आप प्रॉफिट एंड लॉस लिख लें, अब तो एप्रोप्रिएशन बनता नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनता, स्टेटमेंट बनती है। टू इंटरिम डिविडेंड एंड टू सीडीटी ऑन इंटरिम डिविडेंड, लिख ले समझाऊंगा। इंटरिम डिविडेंड जनरली बेटे क्योंकि 31 मार्च से पहले ही डिक्लेयर हो चुका होता है तो ये ट्रायल बैलेंस में आता है, जनरली दिस अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। बेटे जो भी चीज ट्रायल बैलेंस में आती है इसका मतलब उसकी जनरल एंट्री पास हो चुकी है, उसका सिंगल इफेक्ट होगा, सिंगल इफेक्ट, ठीक है जी। तो बेटे इंटरिम डिविडेंड डेबिट, सीडीटी ऑन इंटरिम डिविडेंड डेबिट टू बैंक, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरिम डिविडेंड टू सीडीटी, ठीक है जी। दिस डिविडेंड जनरली अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, चलिए जी।
आराम से बेटे एक ये भी नोट लिख ले, सेकंड पॉइंट, व्हेन डिविडेंड इज पेड इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। तो ओपनिंग बैलेंस अभी लिख लें, प्रॉफिट एंड लॉस का कह रहा हूं मैं, रिजर्व एंड सरप्लस वर्किंग नोट बनाते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बनाया था। ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टेटमेंट से कम इस बार प्रॉफिट कमाएंगे, माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व्स, माइनस प्रपोज्ड डिविडेंड, माइनस इंटरिम डिविडेंड, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी बेटे उसको बोलते हैं डिविडेंड पेड। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर प्रॉफिट्स माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस प्रपोज्ड डिविडेंड माइनस इंटरिम डिविडेंड, बैलेंसिंग फिगर इज डिविडेंड पेड। बना ले बेटे, कर ली प्रपोज डिविडेंड बेटे। ये मैंने जो बताया सेकंड, पहला पॉइंट बताया डिविडेंड का मीनिंग, और डिविडेंड के मीनिंग में इंटरिम डिविडेंड बताया, फिर सेकंड पॉइंट बताया कि आप इसका इफेक्ट कहां कहां लेते हैं। मुंह छोटा मत करना, मैं सब समझा दूंगा। अब बेटा थर्ड पॉइंट लिख लो, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड लिख लो मेरे बेटे। बेटे आराम से आप नीचे जो लिखा है कहाँ लिखे, लिखना है लिख लें कोई बात नहीं, लेकिन ये तो लिखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड, टू सीडीटी ऑन प्रपोज डिविडेंड, टू सीडीटी ऑन प्रपोज डिविडेंड। और फिर मैंने ये लिखा है कि आप मान लें कि अगर वो प्रपोज डिविडेंड अभी पे तो होता नहीं तो बेटे करंट लाइबिलिटी में आएगा, और सीडीटी तो हम पे कर देते तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। बेटे ये जो एंट्री बताई है ना, कि नेट एंट्री बताई है, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड सीडीटी ऑन प्रपोज डिविडेंड टू डिविडेंड पेबल टू सीडीटी पेबल। एक बच्चे ने तो घबराना शुरू कर दिया, उसने कहा पता नहीं क्या भयानक भयानक से एंट्री आ रही है। मैंने कहा कोई एंट्री नहीं करनी बेटे, एक मन को तसल्ली है कि मैंने एंट्रीज बताई, करनी नहीं है, लो नहीं करनी, लो नहीं करनी, मैं हटाई देता हूँ, ये लो हटा दिया, लो लो हटा दिया, नहीं करना। मैं कह रहा हूं मेरे को आपसे ज्यादा आपको आपको घबरवाना नहीं है बेटे, डरना किस बात का है, लिख भी नहीं रहे कोई बात नहीं, मत लिखिए, मैं तो कहता मत लिखो, लिखना तो लिख लो, एक एंट्री लिख ली थी प्रपोज डिविडेंड सीडीटी ऑन प्रपोज डिविडेंड टू डिविडेंड पेबल टू सीडीटी पेबल, फिर डिविडेंड पेबल सीडीटी पेबल टू बैंक, खत्म खत्म। प्रपोज डिविडेंड सीडीटी ऑन प्रपोज डिविडेंड टू डिविडेंड पेबल टू सीडीटी पेबल, डिविडेंड पेबल सीडीटी पेबल टू बैंक। आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स सम कंडीशंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रोवाइड सम कंडीशंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लिख लें बेटे आराम से, लो बेटे क्या सभी ने लिख लिया बेटे, एक बार लिख ले फिर मैं समझाना शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं एक बार आप ये और एक बार अगली टैक्स की एडजस्टमेंट की एंट्री लिख लें, एटलीस्ट जो लिखने का काम है खत्म कर लें, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा और फिर आपको समझ भी आएगा। चलिए बेटे ये भी लिख लीजिए, लिख लो बेटे
एडजस्टमेंट नंबर 10, एडजस्टमेंट नंबर 10, टैक्स एडजस्टमेंट, टैक्स एडजस्टमेंट बेटे, प्रोविजन फॉर टैक्स। हमने फोर्थ क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था और मैंने एंट्री नहीं बताई थी, अभी समझाऊंगा बेटे। प्रोविजन फॉर टैक्स स्टेप नंबर 1, बेटे हेडिंग लिख लें एडजस्टमेंट नंबर 10, टैक्स एडजस्टमेंट नाम है उसमें। बेटे आपको दो चीजें मैंने अभी समझानी है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स और दूसरा बेटे एडवांस टैक्स। पहले आप प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स में स्टेप नंबर 1 लिख लें, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्ट tax liability, underline कर दीजिए expected tax liability for the year is paid within the year itself, उसी साल में advance tax दिया जाता है on the basis of estimated tax liability, it is shown under current assets under subhead of other current assets, step number 2. At the time of preparing of final accounts, मतलब 31 मार्च को actual tax liability on the basis of profits appearing in profit and loss account is created as provision for tax. The profit and loss account debit to provision for tax. It is deducted from profit and loss and shown on the liability side. बेटे हम profit and loss से कम करते हैं और इसको liability side में दिखाते हैं. Under that current liabilities कोई दिक्कत नहीं बेटे. लिख लिया जी, चलो बेटे कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं लिखना बेटे, रेवेन्यूएशन की एडजस्टमेंट नहीं करनी बेटे, बाद में देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे बस बेटे, कोई घबराने की बात नहीं है बेटे। चलिए जी, एक मिनट के लिए बैठे देखो, क्या हुआ यार? वाह, अब तूने तो आंख में आंसू ला दिए रे। क्यों यार, क्या हुआ? फिर तुझे फिल्म फेयर तो बाद में मिलेगा दोस्त, पहले ये ले, ये ले मेरी तरफ से बाटली अवार्ड। रियली? हां, अरे प्रेस फोटो खींच ले यार, फोटो फोटो ये फोटो नहीं है। अरे अरे पप्पू मालूम है, मालूम है, बोल बोल बोल। प्रेस अवार्ड के लिए स्पीच भी लिखा हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है।
टाइमलेस कौन बोला? ए ओमिक, ये मैं ओमिक, कुछ समझ में नहीं आ रही। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, सिंपल करूं थोड़ा। टेक टू, लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक्स, थैंक्स वेरी मच। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग, और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। आई लव यू, आई लव यू ऑल, आई लव यू राजेश कपूर, आई लव यू। क्या सड़ीला स्पीच मारे ले, आई लव यू यार। चल खा लियो पप्पू बेटे।